एक लाख से अधिक आबादी वाला दीसा शहर आलू और अनाज बाजार के लिए मशहूर है। यहाँ हवा के दबाव को मापने के लिए अंग्रेजों द्वारा हवाई स्तंभ टावर बनाया गया था, जो आज एक हेरिटेज साइट है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, ये दीसा शहर के बीच से होकर गुजरता है। यहाँ हाईवे की बड़ी गाड़ियों का ट्रैफिक और शहर के ट्रैफिक के इकट्ठा होने के कारण घंटों ट्रैफिक जैम लगा रहता था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का सदैव ये मानना है कि जो भी बाधा इस देश की प्रगति को रोकती है, उसे सुधार कर प्रगति को एक नए आयाम पर पहुँचाया जाएगा। आज उसी उद्देश्य को पूरा करने के लक्ष्य से देश को लोकार्पित होने जा रही है 4 किलोमीटर लंबी 194 करोड़ रुपए की लागत से बनी डीसा एलिवेटेड कॉरिडोर। हाईवे और सिटी ट्रैफिक को विभाजित करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर के बगल में ग्राउंड लेवल पर दोनों तरफ सर्विस रोड भी बनाए गए हैं। इस परियोजना से आवाजाही में सुगमता बढ़ेगी, प्रदूषण घटेगा, ईंधन की बचत होगी, औद्योगिक विकास होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, कांडला और मुद्रा पोर्ट के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दीसा एलिवेटेड कॉरिडोर से तरक्की और खुशहाली के नए आयाम बनेंगे।